नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और पूरा देश राममय नजर आ रहा है। खासतौर पर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और 22 जनवरी की तारीख का इंतजार, उस शुभ घड़ी का इंतजार जब अयोध्या में भगवान राम नए मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसी को लेकर अयोध्या की सिक्योरिटी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों को सील किया गया है। अयोध्या में अभी फिलहाल पुलिस की टीम तैनात है। पीएसी, सीआरपीएफ, आरएएफ, एटीएस, कमांडो की चप्पे चप्पे पर नजर है। और आज से अयोध्या में राम भक्तों के वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। अयोध्या के स्थानीय लोगों या फिर पास धारकों को प्रवेश मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तक रामलला के पट बंद किए गए हैं। अब रामलला के 22 जनवरी तक आम राम लोग जो है वो नहीं देख पाएंगे, राम भक्त इनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। आज अयोध्या में पैदल प्रवेश कर सरयू स्नान व हनुमान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और वहीं से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। बंद कर दिया गया है, देर रात्रि से अयोध्या में डायवर्जन सिस्टम लागू कर दिया गया। ऐसे में लखनऊ, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर से आने वाले वाहनों को दूसरे मार्ग पर डायवर्ट कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। वहीं अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, जगह जगह चेक पोस्ट बनी है और पुलिस वाहनों को चेक कर रही है, साथ ही दूसरी जगह जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर रही है। पास के जरिए ही अयोध्या में एंट्री मिलेगी। वहीं आम श्रद्धालु भी 3 दिनों तक श्री रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे। 23 जनवरी से ही आम श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला के दर्शन नए मंदिर में उपलब्ध होंगे। और अयोध्या में पहले से विराजमान रामलला आज नए मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। विराजमान रामलला की सुबह से पूजा जारी है। अब से थोड़ी देर में रामलला नए मंदिर में स्थापित होंगे। वहीं आज भी रामलला की नई प्रतिमा की विशेष पूजा भी की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी विशेष पूजा होगी। आपको बता दें, सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास का आयोजन होगा। विराजमान रामलला भी भाइयों के साथ अनुष्ठान में शामिल होंगे और इसलिए रामलला का पट 22 जनवरी तक बंद रहेगा। श्रद्धालु रामलला के दर्शन 22 जनवरी तक नहीं कर सकेंगे। तो आज ये शुभ घड़ी इसलिए भी क्योंकि पहले से जो रामलला विराजमान है वो भी नए भव्य मंदिर में आज स्थापित हो जाएंगे। और ये जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये रामलला की वो तस्वीर, बाल स्वरूप की तस्वीर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और इसे नए भव्य मंदिर में अभी गर्भगृह में रख दिया गया है। आपको बता दें कि आज भी विशेष पूजा इनकी की जानी है और बताया ये भी जा रहा है कि सुबह और शाम दोनों ही वक्त यहां पूजा की जाएगी और पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको मंदिर की और उस प्रतिमा की दिखा रहे हैं, जो अरुण योगीराज द्वारा निर्मित ये प्रतिमा जिसे स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि कल ही इस प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया और वहां की तस्वीर अलौकिक तस्वीर सामने आ रही है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी आपको दे दें कि अभी 3 दिन तक, यानी कि आज, कल और 22 जनवरी तक जो पट है वो बंद कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके साथ ही जो पहले से रामलला विराजमान है, जहां पहले से पूजा होती आ रही है, वहां से भी जो प्रतिमा है उसे आज नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और अयोध्या नगरी से हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगातार एक एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं विनीता आपके जरिए। सबसे पहले तो आज के पूरे कार्यक्रम को समझाइए, आज सुबह क्या कुछ होना है, क्या ताजा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।
बिल्कुल शिप्रा, आज अनुष्ठान का पांचवा दिन है। 16 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी और लगातार हर एक दिन प्रभु श्री राम के अनुष्ठान के तहत जो काम है, जो कार्यक्रम है, वो किए जा रहे हैं। और आज पांचवें दिन प्रभु श्री राम के तमाम विधि विधान किए जाएंगे, उन्हें फल में रखा जाएगा और शाम में पुष्प में रखा जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो अनुष्ठान है, वो हर एक दिन हर एक विधि से गुजरती है और सिर्फ दो दिन शेष है वो क्षण आने में, जिसका इंतजार पिछले 500 वर्षों से प्रभु श्री राम के भक्त कर रहे थे। अयोध्या एक बार फिर से राममय हो चली है, कण कण में भगवान श्री राम विराजमान है। हालांकि सिक्योरिटी पूरी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सिर्फ दो दिन शेष है उस क्षण को आने में, जिसके लिए मानो पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था कि कब भगवान श्री राम एक बार फिर से अयोध्या में पधारेंगे। और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बावजूद इसके जो भक्तों का उत्साह है वो देखते बन रहा है। ना कोई वाहन चलने दिया जा रहा है, ना जल्दी किसी की एंट्री दी जा रही है। बावजूद इसके ये देखिए, कई किलोमीटर पैदल चल के मंदिर तक, मंदिर की ओर बढ़ते हुए तमाम जो भक्त है वो आ रहे हैं। जय श्री राम की उद्घोष अयोध्या के गली गली में सुनाई दे रहा है। माथे पे चंदन टीका है, मन में श्री राम है, जुबान पे श्री राम है, उद्घोष पूरे अयोध्या में श्री राम की सुनाई दे रहे हैं। और कई भक्त दूर दूर से आए हैं। एक पहले उधर भक्त हम आपको दिखा दें, ये देखिए नेपाल टू अयोध्या पैदल यात्रा, यानी ये नेपाल से आए हैं और इनके पीठ पे अपना तिरंगा, अपनी शान, भगवान श्री राम और नेपाल का झंडा, तमाम ये व्यवस्थाएं लेकर आए हैं। क्या नाम है? अर्जुन प्रजापति। नेपाल से आ रहे हैं? जी हाँ। कितने दिन लग गए पैदल यात्रा? चार दिन लगे। चार दिन जी। अब उस पावन धरती पर पहुंच गए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी हिंदुओं को जय श्री राम कहना चाहिए और हमारा नेपाल भी जय श्री राम गूंज रहा है इस समय और सभी को जय श्री राम। बिल्कुल। तो मैथिली माँ सीता बिहार की बेटी हैं, जनकपुर में उनका जो घर है वो है और यही वजह है कि बिहार से और नेपाल से भी उनका रिश्ता गहरा है। लगातार बिहार के लोग, नेपाल के लोग अयोध्या आ रहे हैं क्योंकि बेटी का घर बसने जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा का आया है, राम मंदिर तोड़ना वाले आया है, 32 साल हो गया है। अच्छा, मतलब उस समय वो जो कार से बक रही है? हाँ आया, मंदिर भंगा वाला आया है, मस्जिद तोड़ने आया है। तुमने आया है? तुमने आया है? उड़ीसा का निमंत्रण मिला है? हाँ मिला है, निमंत्रण मिला है। हाँ। कैसा लग रहा है वो एक क्षण जब कार सेवक के रूप में आप बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे और अभी मंदिर में आ रहे हैं? मंदिर में टूट गया। हाँ, कार सेवक के आ गया, मंदिर में टूट गया। कैसा लग रहा है? खुशी है? खुशी है, खुशी है, राम सेवक खुशी है। राम राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? ओडिशा से। आप लोग तो उस समय शायद नहीं होंगे कार से? नहीं, लेकिन इनसे कहानियाँ सुनी। हाँ, कहानी सुन कर रहे हम। कैसा वो क्षण था और अभी का कैसा क्षण है, कैसा लग रहा है? मैं तो आकर बहुत खुश हूँ, ये इसका परिवहन देकर, इसका बहुत बहुत सुविधा यहाँ पर है, बहुत बहुत जय श्री राम। भगवान पैदल चलाए, भगवान ठंड लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के लिए मर जाएंगे तो खुशी में मर जाएंगे हम सब। जय श्री राम। बिल्कुल। तो जो जय श्री राम के जो नारे हैं पूरे अयोध्या इसे गुंजमान है और बिल्कुल साफ तौर पे कहना है भगवान बुलाए हैं तभी हम यहाँ आए हैं। हम सौभाग्यशाली बिल्कुल विनीता, और वो खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। ये शक्ति, ये भक्ति ही है कि इतनी दूर से वो पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे हैं। आपके पीछे मैं बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर भी देख पा रही हूँ। एक बार मैं चाहूंगी कि आप उस नजारे को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी सज कर तैयार है। बिल्कुल शिप्रा, अगर खूबसूरती की हम बात करें तो अयोध्या ऐसी लग रही है कि मानो स्वर्ग बन गई हो। अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम है और ये देखिए, हालांकि अभी जो काम है वो चल रहे हैं क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, साजो सज्जा अभी पूरी नहीं हो पाई है, लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक अलौकिक तस्वीर उस क्षण की है जब भगवान श्री राम बनवास काट रहे थे, राक्षसों का वध कर रहे थे, माँ सीता का हरण हुआ था और लंकापति रावण उन्हें अपने साथ हर कर ले गए थे। और ऐसे में जो यात्रा थी भगवान श्री राम की, वो यात्रा अलग अलग चित्रों में यहाँ अंकित की गई है और वो यहाँ नजर आ रही है। कई सारी तस्वीर आपको यहाँ नजर आ जाएगी दूर दूर तक, जहाँ आप देखना चाहें आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम नजर आएंगे। और पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है, सड़कों की धुलाई की गई है, सफाई की गई है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फूल नजर आ रहे हैं और मानो अयोध्या ये नगरी
कण कण में भगवान श्री राम है, हर क्षण में भगवान श्री राम है, और जो मधुर धुन है भगवान श्री राम के वो यहाँ सुनाई दे रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो आए हैं। एक और भक्त यहाँ पहुंचे हैं, कुछ गाने लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि भक्ति तो गाने के माध्यम से ही होती है। क्या लिखकर आए हैं? चलो बुलावा आया है, राम जी ने बुलाया। गाइए। राम 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 जिनको याद कर वो लोग निराले होते हैं, राम जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, राम जिनको नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, राम जी ने बुलाया है। बिल्कुल, तो चलो बुलावा आया है, राम जी ने बुलाया है, और ये देखिए खूबसूरती के बीच में राम जी के बुलावा पाकर लोग आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और सबको भगवान श्री राम ने बुलाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं, करी जिला से। कैसा लग रहा है अयोध्या पहुँचे हैं? मंदमय खुशी का, बहुत 500 वर्ष का इंतजार आने के लिए सपना साकार हो रहा है, इसलिए हम लोग को ये ऐसा मन में ला रहा था कि कब वहाँ पर पुगे, किस टाइम में पुगे, रात को नींद नहीं आ रहा था, खाने नहीं। दो दिन कैसे कटेंगे? हैं? दो दिन और इंतजार है। इंतजार है, हम लोग यहाँ पहुँच गए, उस पावन भूमि पर पहुँच गए। हम पावन भूमि पर पहुँच गए, हम लोग नेपाल से सप्तरी जिला। बिल्कुल, वनिता, और खास तौर पर हम देख पा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं नेपाल से, मिथिलांचल से, बिहार से, अलग अलग देश के कोनों से यहाँ पहुँच रहे हैं। आप तस्वीर दिखाते रहिए, मैं आपसे वापस भी जुड़ती हूँ। इसी बीच दर्शकों को कुछ और खबर भी बता दें कि रामलला देखिए गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं, और अब रामलला की एक एक करके कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और एक एक तस्वीर जो है वो अपने आप में खास है। न्यूज 18 पर हम आपको उन तस्वीरों के जरिए भगवान राम के दर्शन करा रहे हैं। अब एक और तस्वीर न्यूज 18 के पास आई है जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब मूर्ति तैयार कर ली गई थी और रामलला की श्रृंगार करके देखा गया था कि रामलला को किस तरीके से उन्हें सजाना है, क्या श्रृंगार करने हैं, और उस वक्त ये तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, यही वो उनकी प्रतिमा है, श्यामल प्रतिमा, जिसे अभी गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब इस प्रतिमा को बनाया गया था उसके बाद इसकी साज सज्जा की जा रही थी, श्रृंगार किया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीर है। आज जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम है, कई सारी विशेष पूजा जो है वो की जानी है, 5 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस तरीके की विशेष पूजा अभी अयोध्या में चलती हुई, और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठिन अनुष्ठान चल रहा है। आज रामलला के भवन की कई सारी ऐसी तस्वीर हैं जो मंत्र मुग्ध करने वाली हैं, वो तस्वीर एक एक करके सामने आ रही है। और सबसे पहले न्यूज 18 पर हम आपको उन तस्वीरों के जरिए भगवान राम के उस मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो रामलला के भवन के अंदर की भी मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं, साथ ही वो हवन कुंड भी दिखाई दिया जिसमें अग्नि प्रज्वलन हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं रामलला के मंदिर की पहली तस्वीरें। नाम राम को अंक हैं सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। संसार में केवल श्री राम नाम का ही अंक है, उसके अलावा शेष सब शून्य। अंक के न रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन शून्य के पहले अंक के आने पर वह 10 गुना हो जाता है। इसलिए राम नाम का जप करते ही 10 गुना लाभ मिलता है। प्रवीसी नगर की जय सब का जा, हृदय राख कोसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र जी को भज जो कृपालु हैं और भय दुख को हर लेते हैं, वे संसार के जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। 56 भोग की पहली थाली देखिए, ये वही थाली है जिसमें प्रभु श्री राम के लिए
छप्पन भोग का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। अब रामलला के भवन की तस्वीर देख लीजिए। रात के समय सुंदर, अलौकिक और त्रेता युग की तरह दिखने वाले रामलला के भवन को टकटकी लगाए रखने का मन करता है। ऐसा सुंदर भवन मानो स्वयं देवताओं ने प्रभु राम के लिए निर्माण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।